अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बताऊँगा कि आलू को कैसे काश्त किया जाता है और आलू काश्त करने के लिए कौन से मराहल ज़रूरी हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ खेतों की जानब। आप देख सकते हैं कि आलू की फसल काश्त करने के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। ज़मीन में हल चलाने के बाद अब इसमें खाद डाली जा रही है। ये दो नौजवान इसमें खाद डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आलू लगाने वाली मशीन ये खेलें भी बनाती है और आलू भी साथ ही लग जाते हैं। अगर एक बार पाई करते हैं अब इस मशीन में आलू डाले जा रहे हैं और ये मशीन मुकम्मल भर दी जाएगी और फिर इस कॉन्ट्रैक्टर पीछे ऐसे ही खेत की तरफ ले जाया जाएगा। Thank you.
ਕਿ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾ ਜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਬਦਨ ਵੇਖ ਲੈ अब ये मशीन मुकम्मल भरी जा चुकी है और अब इसको खेतों की तरफ ले जाने लगे हैं। तो अब हम ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि आलू को कैसे काश्त करते हैं और आलू के लिए कौन कौन से मराहल ज़रूरी हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है जनाब। क्या नाम है आपका? खादम मुगल। खादम मुगल, आप हमें बताएं कि आलू की फ़सल को काश्त करने के लिए ना ज़मीन को कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है? जी पहले जमीन तैयार की थी जी, डिक्सां मारियां ने, दो डिक्सां लाइए, दो चेजल दी, तो रोटाटर मारा, फिर दो लाइन लाते, फिर रोटाटर, फिर लेजर कराया मारा, फिर उत्तर दो रोटाटर मारते, तीन बोरियां खाद बीज दी थी। अच्छा, ये तुसा काफ़ी एक किले एक एकड़ इन्ना काम किया जी, ये तो बड़ा औखा काम है। नहीं नहीं, सौखा नहीं, बहुत औखा काम है। अच्छा, और इसके अलावा? उस तो बाद फिर खाद सट्टी रोटाटर उत्ते सुहागा मारते, तीन बोरियां डी ए पी, अच्छा थैला बैग है काला कोला का, एक है सरफर थोड़ा, ये बीजी उस बाद दौर ला तो खेलना शुरू कर दी। अच्छा, तो बारह बोरियां एक एक किले कि बी पै जाता है? बारह बोरियां, बारह बोरियां एक किले पै बी पै जाता। अच्छा, तो उस तो बाद? उस तो बाद तैयार खेलना काट के बाद उस तो बाद पानी पानी आओ हाँ पहाओ हाँ सू उठते पानी जड़ लाया जी। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मोटर चली हुई है और ये आलू की फसल के लिए पानी जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये कुछ फसल थी जिसको पानी पहले लगा हुआ और बाकी को अब लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, और ये खादम साहब बहुत मेहनती आदमी हैं। ये बहुत ज़्यादा, आप कितने एकड़ की वैसे काश्तकारी कर रहे हैं? 20 एकड़ की ये केले कर रहे हैं।
ये बहुत मेहनत का काम है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।